और आज के एपिसोड में हम बैंक का पूरा काम कंप्लीट करने वाले हैं। आई मीन थोड़ा सा काम रह गया, लाइक सबके लिए अलग अलग सिस्टम्स बनाना, नीचे थोड़े रेडस्टोन स्टफ ऐड करना है, सो वो सब चीज़ें बाकी है। एंड दूसरा काम जो चालू है वो सुमित के विलेजर्स को शिफ्ट करने का काम चालू है। एंड उसको क्या हो रहा है पीछे पता नहीं। कभी सुमित तू भी इंट्रो दे दिया कर चैनल के लिए। आज सुमित इंट्रो देगा। सुमित इंट्रो दे। यस इंट्रो दे दिया। नहीं फिर से दे, हमें सुनना इंट्रो। तो फिर हे गाइस वेलकम। सो अब गाइस आज के एपिसोड में हम ये काम करने वाले हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा बैंक का काम कंप्लीट किया था, जो दिखा देते बैंक कैसे दिख रहे। सुमित ने बैंक को बनाने में पूरा टाइम लगा और मैं थोड़ा टेराफॉर्मिंग कर रहा था यहाँ पे, जो आई मीन मुझे अच्छा लगा मेरे हिसाब से। अब मुझे पता नहीं सुमित तेरे क्या रिव्यूज है इसके लिए। सो अब गाइस कल माइनकॉन चालू था, माइनकॉन लाइव चालू था, और कल लाइव अपडेट में बहुत सारी यूजफुल चीजें पता चली, लाइक 1.15 के अपडेट मारे के बारे में। 1.15 में नेदर अपडेट आने वाला है। ये वाला करंटली विलेजर्स एंड पिलेजर्स अपडेट है, और इसके पहले एक्वा अपडेट आया था। सो इस बार नेदर अपडेट आने वाला है। सो नेदर में ढेर सारे बायोम्स आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेदर। प्लस नेदर को छोड़ के जो वोटिंग चालू थी, स्वॉर्म बायोम, माउंटेन बायोम एंड एक और था कुछ, कौन सा था सुमित? बैडलैंड्स। तो उनमें से उनमें से स्वॉर्म सिलेक्ट, स्वॉर्म बोल रहा हूँ, ये माउंटेन एरिया जीत चुका है। तो माउंटेन के लिए अपडेट मिलने वाला है, पता नहीं क्या अपडेट होने वाला है, बट जो भी हो बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है शायद। एंड प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 1.15। बट जब 1.15 आएगा, सो अब गाइस देखते हैं आज के पार्ट में क्या क्या करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो, अगर आपको एफजेडजी क्राफ्ट की वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड येप लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एक अजीब सीन हुआ, अभी जस्ट वीडियो अपलोड हुई फर्स्ट पार्ट के हमारे, और ये कौन सा पार्ट है मुझे याद भी नहीं, 9th पार्ट 10th पार्ट आई डोंट रिमेम्बर, बट एक्चुअली सर्वर पे, और पता चला कि श्लोक कर्स माइनक्राफ्ट। सो श्लोक की सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, कोई एक क्रीपर आया और उसके घर के पास फट गया एंड उसकी सारी चीज़ें फोड़ के चला गया, और बंदा ऐसे डिप्रेशन में चला गया, बोलता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुमित को बोला, उसको बोल चल मार, हम लोगों ने एक बैंक खोला, बस आके बैंक में एक विजिट दे के चला जा, वहाँ पे तुझे अपनी काम की चीज़ मिलेगी। क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या तू मुझे अपने आयरन सेल करेगा, मतलब मैंने बोला नहीं प्राइस वीज किया, क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपना प्रॉफिट करने नहीं बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आयरन सेल नहीं किया उसके, बट मेरे पास बहुत आयरन है। और उसको बोलने के लिए बोला सुमित को कि तू एक काम कर, तू उसको बैंक में लेके आ, बैंक में उसको एक आयरन डिपॉजिट करने बोल, मतलब आयरन सेल करने बोल, लाइक अ गोल्ड, एज आई सेड आयरन डायमंड हम गोल्ड की तरह वैल्यू करेंगे, वो आके बैंक में सेल करेगा, बदले में उसको हम आयरन दे देंगे। बट आयरन के बदले आप डायमंड नहीं खरीद सकते हो, आई रिपीट, डायमंड के बदले आप आयरन नहीं खरीद सकते हो, ये रूल है। और अगर आप चाहो तो अपना आयरन भी डिपॉजिट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आई मीन अगर आप आयरन एक स्टैक डालते हो, उसके बाद हर एक दिन, हर एक माइनक्राफ्ट का दिन हम काउंट करेगा, और उस हिसाब से हम उसमें आयरन से ऐड करते जाएंगे। लाइक पहले दिन अगर आप डिपॉजिट करते हो, तो दूसरे दिन तक आपके एक स्टैक आयरन में और 5 आयरन या 3 आयरन ऐड हो जाएगी, या उसके बाद और 3, वो रैंडमली ऐड होगी जितना आयरन हम कर सकते हो, और बाद में एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो पूरा डिपॉजिट। उसको बोले काम कर बैंक में आने के लिए, उधर उसको अगर चाहे तो वो आयरन बाय कर सकता है, और मैं एफिशिएंसी 5 की बुक खरीद के ला रहा हूँ मेरे घर से। रुक, ओ लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, सर्वर पे एलेट्रा डाल के उड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, रिपीट। ओ माय गॉड, ओ बहुत लैग गया हमारा सर्वर, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, सेफ लैंडिंग, बस 9 ही रॉकेट बजे, आई लॉस्ट ऑल माय हॉपर्स, अच्छा हॉपर्स मुझे लगा होप्स बोल रहा है, ब्रो चिल बोल रहा, चिल विद दैट होप्स, इतना होप्स कोई नहीं खोता ब्रो। मुझे बड़ा मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा, मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, बट स्टिल ब्रो होता है, आई मीन क्रीपर्स नहीं, वो क्रीपर को ढूंढ रहा है, अगर मैंने गलती से क्रीपर फेस डाल के उसके सामने चला गया, आई मीन होता है, मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खोई, मेरा ट्राइडेंट अभी तक नहीं मिल रहा, मैं सुमित को कब से बोल रहा हूँ मेरा ट्राइडेंट चला गया, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ट्राइडेंट बहुत रेयर है, बट स्टिल आई लॉस्ट माई ट्राइडेंट एंड अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा ट्राइडेंट गया कहाँ। ओके मेरे पास एफिशिएंसी 5 की बुक है सुमित, मैं जाके स्टॉक कर रहा हूँ तेरे शॉप में एफिशिएंसी 5। जैसे हम लोग, मतलब मैंने और सुमित ने एक्चुअली एक बिजनेस ट्रेड, मतलब एक प्लान निकाला है, तो सो सुमित बुक्स बेचता है, सुमित एन्चेंटमेंट बुक्स बेचता है, और मैं क्या करूँगा, मैं उसके शॉप का
पार्टनर बन के, सप्लाई पार्टनर बन के उसको मैं एफिशिएंसी 5 की बुक जो मेरा विलेजर बेचता है वो मैं उसे दूंगा, और बदले में मैं 20% शेयर लूंगा जितना भी प्रॉफिट आएगा। सो प्लान ये है। उड़ 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 एलाइट्रा उड़। अरे माँ कसम, चलते चलते उड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल विथ एलाइट्रा। एक्चुअली जाते हैं सुमित के स्कैम शॉप में और वहां से थोड़ा फूड लेके आते हैं, क्योंकि मेरे पास फूड नहीं है और मैं वी डोंट हैव अन रीडिंग बुक सेक्शन। चुप इट्स स्कैम शॉप, अ स्कैम स्कैम शॉप। शॉप मैन, इट्स अ प्योर स्कैम शॉप। उसने मुझे बहुत स्कैम किया, मेरे पास फूड नहीं है। या अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, हमारे पास अनब्रेकिंग वाला एक भी विलेजर नहीं और हमें अनब्रेकिंग चाहिए। मुझे तो बहुत चाहिए, मतलब मेरा एलाइट्रा बहुत जल्दी ब्रेक होने लगा है। सो उसके लिए मुझे एक अनब्रेकिंग 3 वाली बुक चाहिए, और कैसे कब मिलेगी पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं लेने के लिए। और एलाइट्रा एन्चेंटेड बहुत सही दिखता है, मतलब वो जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। यू विल फाइंड एफिशिएंसी एंड मेंडिंग फॉर आयरन। ओके, एफिशिएंसी की प्राइस क्या रख रहा है सुमित? क्विक 64। इसका स्कैम शॉप किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, हम पहुंच रहे। मेंडिंग सर्वर 64 है, अच्छा चल रहा है। वो गरीब हो जाएगा। उसके पास मुझे नहीं पता इतना आयरन है कि नहीं, बट उसके पास डायमंड जरूर है और वो खरीद सकता है। ओके, किधर है मेरा आयरन का बॉक्स? आगे से यही आयरन का है। अब इसको प्लेस करते हैं, यहाँ से एक स्टैक आयरन लेते हैं और सुमित के स्कैम शॉप में एक स्टैक आयरन डालते हैं और एक स्टैक गोल्डन कैरेट से लेते नहीं हैं। पाएगा। मैं क्या करूं, मतलब मेरी मेरे पास इतनी गरीबी है ना, मैं इसके स्कैम शॉप से ही खरीद रहा हूँ और मुझे पता नहीं मेरा विलेजर बेचता है फिर। अरे हे स्कैम शॉप स्टॉप नहीं है वो, स्कैमिंग पहले मी। बात तो उसने स्कैम। वो मेरे आयरन ले रहा है, मुझे दे नहीं रहा है। सुमित अगेन, सुमित दिस, आई हेट दिस शॉप, आई हेट दिस स्कैम शॉप। दिस इज प्योर स्कैम शॉप। मैं तोड़ के लेगा सब। कितना है? रुक, मैं अरे तोड़ के ले यार रहा है। एक स्टैक आयरन मैंने ले लिया तेरे स्कैम शॉप से तोड़ के। मेरा सारा आयरन खा लिया उसने, लिटरली वो निकल रहा है, देखो कैसे निकल रहा है। मैंने तेरी सीढ़ी तोड़ के आयरन मेरे लिए गोल्डन कैरेट निकाल लिया एक स्टैक। दिस इज अ प्योर स्कैम शॉप। आई हेट दिस शॉप। से अब गाइस, उसको हम लोगों ने डील बता दिए। शॉपिंग एरिया में एक बैंक खुला है जिसके अंदर आपको आपकी चीजें मिल सकती है। अगर आप आयरन खरीदना चाहते हो तो यस, यू कैन बाय आयरन फॉर 1 डायमंड। एक डायमंड के लिए आप 5 स्टैक आयरन ले सकते हो, विच इज अ गुड डील। आई मीन बहुत मुश्किल है 5 आयरन जमा करना, और इतना बेचना तो उससे भी बहुत हार्ड है। बट हमारे पास आयरन फार्म है। अब ऐसा मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो एक टाइम सुमित करेगा, एक टाइम मैं करूंगा। प्लान ये हुआ है, अगर मैंने अकेले ने ये प्लान किया तो मैं, मतलब मैं मर जाऊंगा सीधे। मतलब मेरे पास उतनी चीजें नहीं है। सो लेट्स सी, बैंक के अंदर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। बैंक देखने में मुश्किल तो नहीं होगी, उसको पता चल जाएगा एक बैंक खुली हुई है शॉपिंग एरिया में। तो यार लेट्स सी, यहाँ पे स्टॉक कर दे। ये वी गो, यहाँ पे यस चिमिचंगा, आई लव यू चिमिचंगा। क्या बोलो, क्या बोलो? मेरे कुत्ते का नाम है। वाह, 1 2 3 4। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। नहीं, उसको बैंक में आने बोल। बैंक क्यों खोला है हमने? कम जस्ट विजिट बैंक एट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, बोल। ओके, मैंने स्टॉक कर दिया सुमित, मैंने 10 स्टैक आयरन स्टॉक किए राइट नाउ, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा अभी। फिर अभी नेक्स्ट टाइम करेगा तो तू करेगा 10 स्टैक, अभी के लिए मैंने किया है। और उसके अंदर मैंने एक्चुअली कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं डाले, तो आई होप उसको समझ जाए। सुमित जल्दी आ शॉपिंग एरिया में, और यहाँ पे साइन लगा के इंस्ट्रक्शन लगा। और फिर बाद में ये क्या बोलते हो, अगर श्लोक वापिस समझ, अभी लोन लेके मतलब इसने उसने डायमंड पे किए और फिर आयरन मिल गया, और उसके बाद वो शॉप गया बुक खरीदे और फिर वापिस अब एंचेंट करने के बाद वापिस 3 क्रीपर आके फूट गए उसके, तो उसके बाद मुझे देखना है कि वो करता क्या। वो पहली बात अपना पीसी लेगा, उसको आग तोड़ लगा देगा। दे। फिर क्रीपर के नाम के पुतले बनाएगा, उसको रास्ते में जलाएगा। ओके ओके, अपने पहला कस्टमर बैंक में चला गया है, उसका बैंक मिला कि नहीं? अरे वो बुक शॉप है, वो बैंक शॉप नहीं, और उसके ऊपर 2 क्रीपर है। सुमित इज डेड, सुमित इज फ्रिकिंग डेड। सुमित आई एम गोइंग टू हेल्प हिम। सुमित इज डेड, तेरे शॉप के सामने वो दरवाजा खोल सकता है क्रीपर, तेरा पिस्टन डोर आराम से खोल सकता है, मैं मार रहा हूँ उसे। ओके, एक क्रीपर गया, दूसरा क्रीपर तेरे शॉप के ऊपर है। ब्रो आर यू किडिंग मी, सुमित शॉप के ऊपर टॉर्चेस क्यों नहीं लगाता? डेड ट्रैप बना के रखा है तूने यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ शॉप में, मैं मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, एक स्टैक बना है, ये क्या बोलते हैं, आई एम किलिंग हिम। ओके, ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड।
माय गुडनेस, दो दो क्रीपर, वो लिटरली ऐसे आ सकते थे अंदर जा सकते थे। ही उसको इधर आने बोल, बैंक इधर है, उसको रास्ता दिखा नहीं। अरे हमें साइंस लगाने पड़ेगा सुमित, आप ही देखिए। बैंक अरे दैट्स नॉट अ बैंक, दैट्स नॉट अ बैंक, बैंक इज हियर, फॉलो मी, फॉलो बोल, फॉलो कर। अरे वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं। शॉप हेमेंटेड ओपन, इधर वाला इधर इधर इधर, पीछे है, पीछे है, शॉप इधर है। मैं लाइटर डाल के अजीब से उड़ते हुए जा रहा हूँ। किधर है उसको बैंक दिख गई। ओके अरे मैं तो जमीन में ही घुस रहा हूँ हर थोड़ी देर में यार। उसको दिख गया टेन स्टैक आयरन वहाँ पे। वहाँ पे वो अपने डायमंड्स पे कर देगा पहला प्रॉफिट। ही पेड सब खरीद लिया उसने। ही वाज सो डेस्परेट। सुमित सुमित कम यार, गुस्से में आके सुमित भाई ने सुमित सब खरीद सुमित सुमित सुमित, ओए टेक दिस, लेट्स गो, दिस इज दिस प्योर बिजनेस। सुमित क्रीपर की गैंग लेके आया कर, सबके घर के बाहर फोड़े। ओके नो आई एम जस्ट किडिंग। इधर देख ओके सुमित ये ले, सुमित ये ले, सुमित सुमित मैं तुझे कुछ देता हूँ। दे दे ये ले ले, इसमें से किधर गया। ओके ये ले ले, मैंने ड्रॉप ओके किया देख, बाहर एफिशिएंसी मैंने, बाहर मैंने ड्रॉप किया, मैंने ड्रॉप किया। सुमित उठा ले उसको, एक शॉप में ही स्टॉक कर। हाँ एक ही फिलहाल स्टॉक कर और प्राइस वाइज लिख दे तू। आई एम आउट, बाय। क्या चलो, एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट देखा वो बहुत बुरा था, मुझे बिल्कुल खुद को देखने को अच्छा नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों ने कैसे देखा होगा, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अब आगे के पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे। मेंडिंग फॉर 64 आयरन, ओह माय गॉड। वेल अगर उसका शॉप है तो उसने वो प्राइस रखा है। वेयर इज एफिशिएंसी 5, सुमित स्टॉक कर रहे हैं अभी एफिशिएंसी 5। वेयर इज एफिशिएंसी 5, और उसके सामने सुमित साइन लगाएगा 64 आयरन, और वो पागल हो जाएगा। 64 आयरन फॉर एफिशिएंसी, व्हाट द फ्लिप। सुमित वहां आ रहा है, सुमित वहां आ रहा है, सुमित इधर ही आ रहा है, भाग, छुप छुप छुप, क्राउच क्राउच। यू डिडंट सी एनीथिंग। तो देख अरे अरे क्या चाल है बेचारा श्लोक। अभी मुझे तो एफिशिएंसी नहीं था यहाँ पे, कहाँ से आया? और एफिशिएंसी का रिसेट पे बुक डालना भूल गया। उसको बोल इट्स राइट हियर एफिशिएंसी। क्या कर रहा सुमित, यू आर द वर्स्ट बिजनेसमैन। अरे तूने अभी बुक दी यार, मैं को याद ही नहीं रहा था साइन बोर्ड लगाने के बाद, मुझे ऐसा सोचने लगा वाली क्या। बात ये है, मैं सुमित को बोलता तू लूटता है लिटरली, अभी मैं खुद वही कर रहा हूँ। बढ़िया, मैं डायमंड नहीं ले रहा हूँ, मैं आयरन ले रहा हूँ। यस श्योर, मैं रिस्टॉक करने जा रहा हूँ, रुक। अरे कितने बो मार रहे हैं लोग एक टाइम पे। नॉट दिस वन, इट्स दिस वन। ए बड़ी रुक, अरे रिस्टॉक तो करने दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके मैं 10 स्टॉक कर रहा हूँ। 1 2 3, क्या चालू है। अबे शंकर बॉक्स क्या मत लगा बोलेगा, अरे बाप रे बाप यहाँ पे भी बुक्स मिलती है भाई। ये रन सही है, रन, मुझे भागो। फूड खाना है, मेरे पास भी सुमित। अपन को अपने को पहले शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग एरिया में लाइट करनी पड़ेगी, बहुत यहाँ पे लाइट्स की कमी है। हाँ मैं रात को लाइट्स लगा दूंगा। क्या रेज हुआ वो क्रीपर के ऊपर, मजा आ गया। सही है, रैंडमली बीच में दिख रहा होगा, एंड आई एम वेरी सॉरी अगेन। डोंट फॉर टू डी फ्रिकिंग ट्रिगर्ड बोलता है, लेफ्ट द गेम आई एम फ्रिकिंग ट्रिगर्ड, और हम लोग भी उसे ऑल ट्रिगर कर रहे हैं उसको लूट के। आई मीन व्हाट द फ्लिप, सॉरी बड़े श्लोक, बट मतलब हम लोग ट्रिगर अरे वो नहीं कर इधर रहे, एक्चुअली प्राइस ही वही, हम लोगों ने नॉर्मली प्राइस वो रखा था। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे टूल्स चले गए। आई मीन वी कांट डू ए एनीथिंग। ए हमें 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 पहले ये बता, ये क्रीपर फूटा का इसका मतलब आई डोंट नो, इसके बेस आई हैव पे या नो फिर आइडिया कहाँ पे फूटा वो, आई हैव नो आइडिया। ओके तो स्कैवेंज करने जा रहा है। तुझे इतने वो क्यों लगे? अरे मुझे मार रहे थे वो लोग, मैं क्या करूं, मैं स्टॉक करने जा रहा था और मुझे हंगर लगा था, मैं भाग नहीं पा रहा था। यानी यस हाँ यस क्या, ओके अपने बैंक खोला। ओके अपने हाँ तेरी आवाज गई, अपन ने इसकी ओपनिंग भी तेरे फिर आवाज गई।
अरे स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ. नो नो नो, लेट्स गो. सबको पका लिया अभी बहुत देर यहाँ पे तुझे समझाते समझाते. अब क्या बोलूँ मैं. पर मुझे अभी भी नहीं सकता। एफ यू. मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करने वाला तुझे ब्रो. यहाँ पे रेडर्स देखा कितने हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम्स ऑफ द बैंक। ओके मैं व्हाट कैन आई से संभालूंगा बैंक. बैंक बैंक का मैनेजर मैं बनूंगा. तू रिस्टॉक करना. ओके ओके। वंश ने अभी तक ज्यादा चीजें की नहीं है अनफॉर्चुनेटली. वंश की माइंड मैंने चेक नहीं किया, ना ही मैं करना चाहता हूँ. माइंड में वैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है. बट वंश ने जैसा घर छोड़ा था वहीं पे छोड़ा, वहां से आगे कुछ किया नहीं है. आई गेस उसके लिए रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे या फिर वो खेल नहीं पा रहा कंस्टेंट. वी हैव नो आइडिया. बट हम लोग ज्यादा अपने बेस पे फोकस कर रहे हैं. मेरा मोबाइल नीचे गिर गया. सी अब गाइस, इसलिए आपको बहुत छोटे छोटे अजीब से कट दिखते हैं. मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट में जब देखा मुझे भी अजीब लगा. एक्चुअली ये सीरीज मोन्टाज जैसी ही होने वाली थी. हेलो 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 क्रिपर. मैं बात कर रहा था और ये पीछे से मुझे लगा सुमित आ रहा है. बट मैं बोला इतने दबे पाओ यार, धीरे धीरे क्यों आ रहा है. मुड़ के देखा तो भाई साहब क्या बोले अब. इनको तो चिल नाम की चीज़ समझती नहीं. सिर्फ मैंने आज फर्स्ट पार्ट देखा अपना, तो उसमें से मैंने रियलाइज़ किया कि कितना वियर्ड लग रहा था. मतलब प्लान तो वही था कि एक मॉन्टाज वीडियोस जैसी रहेगी, छोटी वीडियोस, मतलब कनेक्ट करेंगे मल्टीपल, हम लोग जितना सर्वाइव करेंगे उसकी. बट या मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगने लगा उसका. मैं कुछ करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ. प्रॉब्लम ये, हम लोगों ने पार्ट 9 तक सब रिकॉर्डिंग वैसे ही की है. अब मैं उसमें से कितना उसको परफेक्ट कर पाऊंगा आई हैव नो आइडिया. बट मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटर करने की. और पार्ट मोस्ट ऑफ द होता है कि मतलब मैंने जो पार्ट्स देखे उसमें ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टअप है ठीक है, बाद में अपन इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। और फिर जितने भी गैप्स थे तूने बोला देख अभी हम मिलते हैं, हाँ. तो फिर वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टाइम, मतलब तू समझ सकता है कि मतलब कितना टाइम करेगा उसको। तो पहले वीडियो में उतना प्रोग्रेस नहीं दिखा था. मतलब मैं बाद की वीडियोस की बात जानता हूँ, मैंने बहुत प्रोग्रेस दिखा है हमने जितना किया है. बट पहले आई गेस मैंने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाया. और मैं एक्चुअली खुद समझा नहीं पाया कि हम लोग क्या कर रहे थे. हम लोग मतलब मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे उस एपिसोड में, बट हम ज़्यादा दिखा नहीं रहे थे कि क्या कर रहे थे. हम बस बता रहे थे हमने ये किया ये किया, बट मैं दिखाना भूल गया कि हमने क्या किया एग्जैक्टली. तो एनीवेज इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होगा. सो यप.